guys मैं अरुण अमीन और मैं हूँ एके मिश्रा। मुझे पता है मोस्ट ऑफ द लोग व्लॉग में से यहाँ पर आए होंगे, पर डायरेक्टली जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं जल्द से करो देख लो, क्योंकि आज हम करने वाले हैं एक मास्क का अनबॉक्सिंग जो कि एक एक्सपेंसिव मास्क है। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, खुद के पैसे खर्चे हैं, तो ये नहीं बोल रहे कि स्पॉन्सर्ड मास्क कर दिया ये वो। अमेजोन की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में अगर आपको परचेज करना हो। तो ये है पेंगोलिन मास्क जिसका हम करेंगे अनबॉक्सिंग। एंड ये मोस्ट ऑफ दी इसकी खासियत क्या है कि एक ऐसा लिखा है, मैंने पढ़ा है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रीदेबल एंड वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल मास्क इन द वर्ल्ड। और ऑल्सो गाइस इस पे आपको ज्यादा भरोसा इसलिए आएगा क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज इस मास्क को यूज करते हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन है, अभिषेक बच्चन है, हाँ। और शाहिद कपूर और राणा दग्गुबाती के पास सेम शेड है जो इस साइड का, जो नियॉन या ग्रीन जो भी बोलते हैं इसको, नियॉन ग्रीन कलर का जो शेड है, ये सेम मास्क राणा दग्गुबाती और शाहिद कपूर के फोटोज में तो मैंने देखा हुआ है, जिसके फोटोज आपको साथ साथ में दिख रहे होंगे। फिर और किसने पहना है, अनिल कपूर, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और रणवीर सिंह साथ में याद है। तो ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज है, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एंड बाहर के भी सेलिब्रिटीज जो ये मास्क यूज करते हैं। एंड इसके बहुत सारी डिफरेंट फैसिलिटीज एंड फिल्टर्स वगैरह इसके अंदर है, और ये इंस्पायर्ड है फ्रॉम एयरलाइंस। इसकी जो डिजाइन है वो एयरलाइंस से इंस्पायर की हुई है, और इसके अंदर जो वायर्स होते हैं उसकी बहुत ही स्पेशल चीज ये है कि ये वेंटिलेशन की तरह यूज होते हैं, जो आपको ब्रीदिंग में बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। खोल के दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, और इसकी सारी डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल्स दे दूंगा। एंड तो जो हिरन ने मंगवाया है उसकी प्राइस है 2500। आई थिंक इसी से शुरू होता है, या और दूसरा मैंने 1000 वाला देखा था, बट आई एम नॉट श्योर उसकी क्वालिटी वो क्या है, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वन। पर अगर आप कंफ्यूज मत हो जाना, इसमें दो टाइप के आते हैं, 2500 में ही दो टाइप के आते हैं, विद वेल्व एंड विदाउट वेल्व वाले भी आते हैं। एंड 3000 के ऊपर जो रेंज आती है वो आती है जिसमें सिर्फ वाल का कलर चेंज होता है, अगर आपको स्टाइल मारना है अलग वाल तो 500 ज्यादा देने पड़ेंगे, एंड आई डोंट थिंक इट्स वर्थ। ठीक है, सबके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सबके अमेजन लिंक है तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये गाइस बॉक्स वैसे अच्छा खासा कंडीशन में हुआ करता था, ये इसलिए ऐसा लग रहा है बिकॉज इसके ऊपर मेरा एड्रेस और ये वगैरह सब चिपकाया था, इतनी सारी सेलो टेप मार के चिपकाया था कि बॉक्स की महाबहन हो गई है। तो ओपन करते इसको, एक मास्क के हिसाब से इतना काफी ये से लाइक मोबाइल फोन गिफ्ट दे रहे हो ना वैसे। सर इसका बहुत ही प्रीमियम अनबॉक्सिंग फील रहेगा आपके लिए, ये देखो नहीं मानेगी। अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं अंदर अंदर क्या क्या 2500 में मसाला दिया के बॉक्स का प्राइस है। बड़ी वो आईपैड की अनबॉक्सिंग वाली फीलिंग आ रही है इसमें। एंड हाँ गाइस एक और चीज मैं बता दूं, पेंगोलिन इस कंपनी का नाम जो है वो एक एनिमल का भी नाम है, और जैसा कि हम ह्यूमंस की बदौलत मतलब हमारी खासियत जो है जो कि किसी एनिमल को पूरा अगर कुछ काम का हो या रेयर हो तो उसको नहीं जिंदा रहने देने का, पोचिंग हंटिंग करके मार डालो, कम कर डालो या खत्म कर डालो, एक्सटेंड कर दो, तो पेंगोलिन की लाइफ भी खतरे में है। तो जितने भी पेंगोलिन है उनको बचाने के लिए ये ब्रांड दे वर्क अ लॉट, इसका कुछ परसेंट जाता है उनको पेंगोलिन फंड में, उसका कुछ परसेंट जाता है सी पेंगोलिन के ऑर्गेनाइजेशन। अनबॉक्सिंग गाइस देखो तो सही, मुझे को सही में ऐसा लगा लग्जरियस वाला, कोई मैं प्रीमियर क्वालिटी वाला फेस सीरम खोल रही हूँ या तो फिर। एंड हाँ इसकी डिजाइन की गई जर्मनी में, मैंने अभी जस्ट पढ़ा, एंड बहुत ज्यादा प्रीमियर लगता है। और मुझे एक चीज अच्छी लगी, पेंगोलिन अगर आपने एनिमल नहीं देखा हो तो उसका पहले तो ये कार्टून यहाँ पर है, लोगो है इस ब्रांड का, एंड आप गूगल में भी जाके देख सकते हो। इसके स्किन के ऊपर जो टेक्सचर आता है पूरा, उसका डिजाइन है पूरे बॉक्स के ऊपर, तो कितना सेक्सी एंड प्रीमियम लग रहा है आप खुद देख सकते हो। ये वैसे रिफ्लेक्शन रिंग लाइट की वजह से ज्यादा अच्छी लग रही थी। चल तू ओपन कर, ये देखो गाइस, देखा मास्क की अनबॉक्सिंग का इतना प्रीमियम फील देखा कभी? इधर से ये बॉक्स खुलेगा, रुक के जा, अरे देखा ये पहले इसकी हमेशा ये कभी किसी को स्टोरी भी बोलती है ना तो एंड से शुरू करती है कि वो मर गया था, अब मैं बताती हूँ क्यों, ये पहले इसमें जो चीज लगी हुई है निकाल इसको। तो बाय द वे ये गाइस मैं आपको बता दूं, ये एक रबर स्ट्रैप है जो नेक के लिए है, और वो क्यों है, आप मास्क निकाल देते हो जेब में रखना पड़ता, कहीं ना कहीं रखना पड़ता है, इसमें इसका ब्रांडिंग है और प्लस नेक बैंड है, अगर आपको यूज नहीं कर रहे हो तो आप निकाल के उसको अपने नेक पे टांग सकते हो, लिखा हुआ है यहाँ ब्रांडिंग है। तो एक वो हो गया, इसके जो ये दो वाल फिल्टर्स दिए हुए हैं वो है, मास्क अंकिता निकालेगी, बहुत पाउच भी आता है जिसमें आप रख सकते हैं, अगेन उसके ऊपर प्रीमियम पाउच, काफी प्रीमियम पाउच है। मैं तो ऐसा लग रहा है मैं हिरन के पास से हथियार लूं पाउच मेरा मेकअप रखने के लिए, दिमाग खराब है, बहुत मस्त है।
अगेन उसे हम रेटिंग की हुई है इसके अंदर इसका सारे डिटेल्स दी हुई है, इसका यूज और कैसे इसको असेंबल करना वगैरह सबकी डिटेल्स दी हुई है, जो कि काफी इजी है तो हमको शायद जरूरत ना पड़ेगी। और इसको धो सकते हो वंस इन अ वीक डिपेंडिंग आपके यूज एंड डस्ट कंडीशन पे, अगर आपका ज्यादा रफ यूज ना होता तो उसको ज्यादा लेट धोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं, ये रोज धोने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे अच्छी फिल्टर्स की खासियत ये है, फिल्टर को नहीं निकालना है वॉशिंग के वक्त, एयर ड्राई करना है शेड में, हैंड वॉश यूजिंग कोल्ड वाटर एंड डिटर्जेंट्स है, मशीन में मत डालना, जैसे हमारे इंडियंस की खासियत है कि अगर मेहनत नहीं करनी पड़े सब चीजें मशीन में डाल दो, मोजे हो आपकी चड्डियां हो आपके कपड़े हो टॉवल क्या, सच बात है ना, और स्ट्रेच नहीं करना है इस मास्क को धोते वक्त खास करके। बाकी तो कैसे इसको लगाना है वो सब है वो तो हम देख लेंगे। और ये है मास्क, जो किरण किरण खोलेगा। ओके तो हम इसको ओपन करते हैं, तो ये है इसका मास्क। ओके वाओ बहुत मस्त लग रहा है ये। ये देखो ये है इसका अंदर का फिल्टर, ये बहुत ही डिफरेंट मटेरियल से बना है एंड इट इज द ओनली मास्क जो ये मटेरियल यूज करता है। अब ये मटेरियल कौन सा है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा, क्योंकि मैंने खुद ने अभी तक इतनी ज्यादा डिटेल में स्टडी नहीं किया इस बारे में, एंड अंदर भी ब्रांडिंग है और इसके ऊपर वैल लगेंगे। और ये है आपका मास्क, तो ये फिल्टर्स लगा दिए एंड इसको हीरे पहले इसके बिना पहन के बताएगा। और गाइस आप देख सकते हो साइड में आपके ईयर के ईयर लोक का जो शेप होता है उसके हिसाब से दिया हुआ है, एंड आप इसको बड़ा छोटा एडजस्ट भी कर सकते हो आपके शायद अगर साइज में प्रॉब्लम हो। यस गाइस सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस मास्क के बारे में बता दूं, इसकी साइजेस 3 साइज में आती है, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज। एग्जैक्टली आप अपना मेजरमेंट लेने के बाद आप इसको लेना, मेरा स्मॉल मैंने लिया है मास्क जिसमें जो आपको अंदर की तरफ नजर आएगा एस लिखा हुआ है, एंड आपकी जो लोअर आई लेड होती है वहां से चिन तक का जो साइज होता है उसको आपको मेजर करना होता है और उस हिसाब से चार्ट के हिसाब से देख के आपको इसको परचेज करना है। yes, तो हिरण पहले उसके इसके बिना पहन के दिखाएगा। यस वो स्मार्ट लग रहा है यार। ट्रस्ट मी इसका जो अंदर का फिटिंग है ना आपको मैं दिखा नहीं पाऊंगा शायद, बट इट इज कम्प्लीटली सील्ड, तो सिक्योरिटी होनी चाहिए आपकी सेफ्टी की, यहाँ से प्रॉपर साइज है एंड प्रॉपरली पूरा सिक्योर्ड हो जाता है पूरा का पूरा कम्प्लीट, आप देख सकते हो। एंड अब मैं बता रहा हूँ क्यों लगा रही हूँ, तो थोड़ा सा मैं यूज भी कर देता हूँ माइनर उधर से भी कर दे, तो अब हिरण भी मेरे जैसे स्टाइल मारेगा। हाँ ये सोने की है, सोने चांदी और पता नहीं गुलाबी चेन टांगती रहती है, तो देखा मुझे पता था कितना ने उल्टा लगाया, अभी अनबॉक्सिंग के लिए चलेगा। तो इस तरह से आप इसको टांग सकते हो जब यूज ना कर रहे हो, जब तो आपको अगर आप जनरली रेस्टोरेंट जाते हो कहीं जाते हो तो आपको वो निकाल कर रखने की कहीं पे भी जरूरत नहीं है, इजी आप पहन सकते हो एंड देन उसको निकाल के यहाँ पे टांग सकते हो। एंड ट्रस्ट मी गाइस सुपर कंफर्टेबल फील हो रहा है, और दूसरी चीज पैसा खर्चा हुआ ना फील हो रहा है कि भाई प्रीमियम रेंज का पहना है। जब आप नहीं हो घर पे आ गए हो तो इसको अच्छे से इसमें रख सकते हो प्रोटेक्ट करके, और मैं जोर से सांसें लेने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मुझे ये फील हो कि एम आई एबल टू ब्रीद, तो यस आई एम एबल टू ब्रीद। अब ये मास्क पहन के हम जाने वाले हैं ब्लॉग करने के लिए, अगर आप ब्लॉग से यहाँ पर नहीं आए हो डायरेक्टली इस चैनल पे देख रहे हो तो जाओ एंड ब्लॉग चैनल पे देखो, क्योंकि वहां पे एंड में मैं बताने वाला हूँ मेरे कुछ आवर्स का रिव्यू कि मैंने कुछ घंटे पहना उसके बाद मुझे एक्चुअल में ये कंफर्टेबल लगाया नहीं, और इसके पैसे खर्चना वर्थ है या नहीं। फिलहाल फर्स्ट इंप्रेशन पहन के सुपर प्रीमियम लग रहा है, बाहर जाओगे दिखने में बहुत स्मार्ट लग रहा है, वो हम कितना बता सकते हैं। हाँ, दिखने में बहुत स्मार्ट लग रहा है, रिच लगता है, रिच लग रहा है, लग रहा है कि हाँ पैसे खर्चे हैं, और मुझे पहनने में काफी प्रीमियम लग रहा है ये, क्योंकि बहुत सिक्योर भी लग रहा है, बहुत ही प्रीमियम फील हो रहा है, और इतना फील होने के बावजूद मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं ब्रीथ नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम वेरी मच एबल टू ब्रीथ। ओके तो ये था अनबॉक्सिंग फॉर पेंगोलिन मास्क, अगर आपको ये मास्क खरीदना है तो इसके काफी सारे वेरियंट जो है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप जाके परचेस कर सकते हो, पर साइज का खास करके आप ध्यान रख लेना, एंड ऑल्सो इसके विद वॉल ले रहे हो विदाउट वॉल ले रहे हो वो देख लेना वो इमेज में भी, प्लस उसमें लिखा होगा डिस्क्रिप्शन में ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं जल्दबाजी में गलत खरीदने वाला था, yes. तो फिर मैंने एंड मोमेंट पे मेरा ऑर्डर चेंज किया था, तो वो सारी गलतियां मैं मेरी जो करने वाला था वो आप ना करो, वो ध्यान रखना। एंड ये था पेंगोलिन मास्क का रिव्यू विच इज सेलिब्रिटी मास्क रिव्यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक, लाइक द वीडियो एंड डू कमेंट, ऐसा इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ब्लॉग जाके देखो अगर ब्लॉग नहीं देखा हो तो, एंड मिलता है रात को लाइव स्ट्रीम में, हिरण में लाइव स्ट्रीम मैं रोज लाइव आता हूँ ऑलमोस्ट, तो मिलते हैं वहाँ पे, प्रैंक्स देखना तो प्रैंक्स देख लो, इसको भी सब्सक्राइब कर लो, खरीद लो मतलब।
ठीक है, बाय गाइस, बाय बाय।